हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल माइंड ट्रेड्स में। और आज की वीडियो फिर से धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिनसे आपको मतलब जो लॉस होता है वो कम से कम 99% नहीं होगा। 1% मैं पहले भी बोलता हूँ कि वो आपके ऊपर है, आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, कैसे नेटवर्क एरिया में बैठते हो। ठीक है, तो मैं ट्रिक बताऊँ आपको, 3 टिप्स हैं। टिप्स नंबर 1, लेकिन उससे पहले एक बात और, ये बहुत से लोगों का सवाल है कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे क्यों हैं, बिनोमो मुझे पैसे देता है। जी नहीं, ये सारे मेरे ट्रेडिंग से पैसे हैं जो मैं ट्रेड करके पैसे कमाता हूँ। बिनोमो की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलता, ना ही मैं उसको, ऐसा आप सोच रहे हो कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो टिप्स नंबर 1, सबसे पहले आपको देखना होता है कि जब आप जैसे ही बिनोमो खोलो, ध्यान से सुनना, जैसे ही बिनोमो खोलो तो आप ग्राफ को ऑटो पे रखें, हमेशा की तरह ऑटो पे रखें, और 1 मिनट टाइमिंग सेट करके रखें। आप जैसे ही खोलोगे ग्राफ, याद रखना, फिर उसको आप जूम करें जैसे मैं कर रहा हूँ। अब ये 50 सेकेंड पर आ गया। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको ग्राफ की फ्लैक्चुएशन दिखेगी, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप नोटिस करें, और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से नोटिस करें, ये कितना ऊपर नीचे जा रहा है। अगर ये तब भी फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है तो आपको एक काम और करना है। क्या मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार और पिंच करना है, एक बार। अब ये 5 सेकेंड पर आ गया। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर डीपली देख पाएंगे कितना फ्लैक्चुएट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन नंबर पे गौर कीजिए, कितना 1 सेकंड पे ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आप कभी ट्रेड नहीं हारेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते रहिए कितनी देर में कैंडल ऊपर नीचे चेंज हो रही है। ठीक है, तो टिप्स नंबर आप बन समझ गए। तो अब टिप्स नंबर सेकेंड बहुत ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हो और फिर आपको बहुत दिक्कत होती है, कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ इंडिकेशन, मतलब किस किस पे गौर करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, सारे इंडिकेटर वर्क एक ही तरीके से करते हैं, क्योंकि उनका काम है ऊपर बताना और नीचे बताना। आप समझ रहे हैं, ऊपर बताना, अगर मार्केट ऊपर है तो ऊपर बताएगा, अगर नीचे है तो नीचे बताएगा, समझे। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर चुनना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले ही से CCI करके रखा हूँ, आपने देख लिया होगा। CCI से मतलब, मैं ये नहीं बोला आप भी CCI कीजिए, मैं काफ़ी इंडिकेटर आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उन्हें भी आप रखिए, बट एक रखिए। मतलब जो नए लोग हैं वो तो प्लीज़ एक ही रखिए, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे तो आप ट्रेड लॉस करोगे, फिर आप मुझसे कहोगे कि आप ऐसे बता रहे हो, वैसे बता रहे हो। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से गौर कीजिए। ठीक है, अभी मैं 2 भी यूज करता हूँ, 1 भी यूज करता हूँ, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैं 2 ही यूज कर रहा हूँ, स्टॉकटिक्स, CCI, और उससे पिछली वीडियो में देखें तो आपने देखा होगा स्टॉकटिक्स और CCI और MACD, मैं इन सब का यूज कर। लेकिन आपको बताने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ जो नए हैं वो प्लीज़ ऐसा CCI यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब इंडिकेशन अच्छा मिलेगा। ओके, तो मैं एक ही यूज करता हूँ अभी के लिए। तो अब टिप्स नंबर 3 आ रही है, और इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आप कभी भी ट्रेड ले रहे हो तो प्लीज़ माइंड को फ्रेश रखिए, बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखिए। ये नहीं कि हड़बड़ी में आप ट्रेड लेने बैठ गए और बस करने लगे कि हाँ आज तो मैं जीतूँगा, और मार्केट देखने लगे काफ़ी नीचे जा रहा है, ऐसे भूल के, अरे भाई मार्केट तो काफ़ी नीचे जा रहा है, अब तो यहीं मैं डाउन में ट्रेड करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, पल भर में मार्केट ऊपर चढ़ जाता है और आप ट्रेड लॉस कर जाते हो, पल भर में, मतलब आपकी आँख झपकते ही मार्केट ऊपर चला जाता है, आप सोचिए। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें। अभी मैं आपके सामने एक ट्रेड लेने वाला हूँ अपने तरीके से, ओके, तो देखिएगा कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ,
वीडियो स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बातों नहीं ज़्यादा काम नहीं करता, नॉर्मली ट्रेड देता हूँ। तो ठीक है, चलिए मैं उसी तरीके से आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ कैसे आपको ट्रेड लेनी है। देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे CCI जो ग्राफ है हमारा अभी दिखा रहा है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कितना ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी तो कुछ खास सिग्नल मिल नहीं रहे हैं, तो मैं एक बार इसको 1 मिनट पे सेट करूँगा। अभी हम 1 मिनट पे इसको हमने सेट कर लिया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कैंडल अभी ख़त्म तो हुई नहीं है, और टाइमिंग आप देख के यहाँ पे चल सकते हो, तो टाइमिंग भी हमें नोटिस करके चलनी पड़ती है भाई। ट्रेड में टाइम लगता है, बिल्कुल आपके लिए लाइव ट्रेड कर रहा हूँ तो थोड़ी मुझे देखना पड़ रहा है। 20 सेकेंड, और ये हमारा ऊपर नीचे 1 मिनट में ऊपर कैंडल का। तो चलिए मैं बताता हूँ, हमको ट्रेड लेनी है अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अभी ये कैंडल ख़त्म नहीं हो रही है और हमारा मार्केट एकदम नीचे से ऊपर जा रहा है, हल्का सा आपने नोटिस किया होगा, और ये पॉइंट भी ऊपर की ओर गेन कर रहा है। तो जल्दी से हम एक अप ट्रेड ले लेते हैं, और ये मैंने अप ट्रेड ले ली 350 की, और ये 57 सेकंड चलेगी। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, ये हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। ये देखिए 57 सेकंड हमारी ट्रेड चलेगी, और मेरे तरीके से खेलोगे तो जीत जाओगे। और एक व्यक्ति मेरा व्यूवर से, उसने कमेंट किया इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। हाँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है पैसे कमाना, लेकिन अभी आप देखिए 350 के हमें मिल रहे हैं 640, लेकिन मार्केट हम देख रहे हैं कि ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, और बहुत नज़दीकी मामला हो गया है, बहुत ज़्यादा नज़दीकी मामला हो गया है, और नहीं हम विन कर जाएंगे क्योंकि मार्केट अभी ऊपर ही रहेगा, क्योंकि कैंडल ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ये आपके सामने मैंने लाइव दिखाया है बिल्कुल, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने आपके सामने 640 रुपये जीत लिए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मेरी तीनों टिप्स। प्लीज़, मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँ तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फालतू तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ कि आपको वीडियो स्किप करनी पड़े। ठीक है गाइस, मुझे आशा है आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम हफ्ते में 4 वीडियो डालते हैं, 4 से 5 वीडियो डालते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो डालते हैं।